घर तक ला दी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वालेकुम जैसे साहब, आपकी अमानत मेरे को पहुँचवाई की आपको शुक्रिया अदा कर दूंगी। इला सेठ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, घर तक लाग दिए राशन। इलाही सेठ को अच्छा रखेंदे, हमारी दुआ है सबको, अल्लाह मोहम्मद की दुआ है। अभी ऐसो बला दूर हो दे, ऐसो आफत उनको दूर हो हटे। वालेकुम, उनके वास्ते हक में दुआ करते हैं। गोर गरीब फूले का खसो खाना दिए, बहुत मेहरबानी हुई, बहुत अच्छा हुआ। इंशाल्लाह इनसे ज्यादा हो दे, उनको दुआ करेंगे। हाँ, बेवा है वेल माजूर है, गर को लाखो दिन देखो हमार को, वैसे कहीं झूठ बात नहीं करना, अल्लाह ताला भेजे खा रहे उनका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रज़ाक कुमसी बिलालाबाद टीम की जानिब से, हमारे टीम में आरिफ इंजीनियर असलम भाई और फरीद अहमद के साथ कल शाम हम आकर यहां पर सर्वे किया। जो ज़्यादा ही मुस्तहिक हैं लोग, जो काम बंद होने की वजह से घर पर बैठे हैं, जिनका अनाज की बहुत सख्त ज़रूरत थी, ये बात हमने इला सेट को MIM कैंडिडेट नॉर्थ गुलबर्गा से रुजू होकर बात बताई, तो फौरन उन्होंने राशन का इंतज़ाम किया है और ये राशन का इंतज़ाम अब बांटा जा रहा है। वार्ड नंबर 32 सिद्धा रोड कॉलोनी कपनूरी में आता है ये, जहां पर जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव आज तक कोई भी नहीं है। यहां पर कई मसाइल हैं, नाली का पानी का है, और आगे भी हम इलाज सेड के थ्रू ये काम कराने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। यहाँ पर हम वार्ड नंबर 32 में आए हैं, सिद्धा रोड कॉलोनी में आए हैं, कपनूरे में आए हैं। ये यहाँ पर 40-50 मकान हैं। यहाँ पर लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है लॉकडाउन होने के कारण, लोगों को खाने के लिए पीने के लिए बड़ी तकलीफ हो रही है। तो हम बिलालाबाद की टीम ने और मैंने मिलकर यहाँ पर हम लोगों ने कल आकर देखा और यहाँ पर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद हमने इलियास सेठ के पास जाकर ये सब चीज़ें बता दी, तो इलियास सेठ ने हमारी बात को रेस्पॉन्स देते हुए उन्होंने ये किटों का इंतज़ाम किया है। अभी ये राशन के किट्स हम लोग यहाँ पर तकसीम करने आए हैं, और आगे भी जो भी काम रहा, जो भी मसले मसाइल रहे, हम इलियास सेठ को इलियास सेठ के थ्रू बताकर ये काम ये लोगों को कर देंगे। सबसे पहले हम इलियास सेठ के तहे दिल से शुक्रगुजार है कि तमाम गरीबों को उन्होंने गुलबर्गे के अंदर हर मकानों के अंदर अपनी क्या बोलते रिलीफ किट तकसीम करें, और आज इलियास सेठ ऐसी हालत में है कि उनका पूरा घर कोविड के अंदर परेशान है। इस हालत में भी गुलबर्गे के गरीबों के लिए आप ताउन करते इलियास सेठ निकले हुए हैं, और इलियास सेठ बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं और अल्लाह वाले आदमी हैं। आज ऐसी हालत में जो अपने घर की
तकलीफों को देखते हुए भी आज दूसरों का ख्याल कर रहे हैं। आज मिसमिल की जो पुरानी एरिया है खदीम एरिया जलालाबाद वार्ड नंबर 40 में रिलीफ किट डिस्ट्रीब्यूट की गई है इलिया सेठ की जानिब से। मैं और हमारी टीम जो है इलिया सेठ का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि उनकी फैमिली में जो परेशान है जो कोविड की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं अल्लाह जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में उनके वसीले से उनके तमाम परेशानियों को दूर करे और उनको जो है शिफा अता करे। और पूरे आवाम भी जो है इलिया सेठ के लिए दुआ कर रही है। इलिया सेठ बेफिक्र रही है कि अल्लाह जो भी आपके फैमिली मेंबर्स को ठीक कर देगा इंशाल्लाह।